हर मजलूम सोगवार है, आज दुनिया का हर मोमिन सोगवार है, आज दुनिया का हर मुस्लिम सोगवार है, क्योंकि उम्मत मजलूमा, उम्मत मुस्लिमा की मजलूम आवाज़ बनकर आयतुल्लाह सैयद इब्राहिम रईसी साहब पूरे जुल्म, पूरे तागुती निज़ाम को ललकार रहे थे। इस वक्त हम सोगवार हैं, हम इमाम ज़मा जल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ रहबर मुअज़्ज़म और तमाम मोमिनीन की खिदमत में ताज़ियत व तसलियत पेश करते हैं, हम तमाम मज़लूमीन की खिदमत में ताज़ियत व तसलियत पेश करते हैं। मैं सिर्फ आयतुल्लाह इब्राहिम रईसी साहब का एक कौल नकल करना चाहता हूँ, एक जुमला नकल करना चाहता हूँ कि उन्होंने उनसे जब पूछा गया कि आपको कभी फुर्सत मिली है, कभी एक लम्हे की फुर्सत मिली है, तो आयतुल्लाह सैयद इब्राहिम रईसी ने जवाब दिया कि मुझे 30 सालों में कभी एक लम्हा भी फुर्सत नहीं मिली, मैं कभी बेकार नहीं रहा। यह हमारे लिए शआर है, ये तमाम उन मोमिनीन के लिए शआर है जो उसको अपना लीडर मानते हैं, उसको अपना रहबर मानते हैं। हम इस वक्त फिर एक बार फिर तमाम मजलूमीन की खिदमत में ताज़ियत व तसलियत पेश करते हैं, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी मसलक का हो। उन्होंने कभी मसलक नहीं देखा, वो फिलिस्तीन की आवाज़ बनकर गरजे, वो कुरान की आवाज़ बनकर यूएनओ ऑफिस में गरजे, लेकिन उन्होंने कभी मसलक, किसी का मसलक नहीं पूछा, किसी मजलूम का मसलक नहीं पूछा, किसी मजलूम का मजहब नहीं पूछा। हम इस वक्त उन मजलूमीन की खिदमत में जो मुसलमान नहीं हैं, उन मजलूमीन की खिदमत में भी ताज़ियत व तसलियत पेश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह।